उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में तमाम दावे किए जा रहे हैं और इसमें प्रमुख मुद्दा रोजगारों को नौकरी का भी है। आम शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार ढूंढ पाने में सेवा योजन कार्यालय से कितनी मदद मिली, इसको लेकर विभाग के अधिकारी तमाम आंकड़े पेश करने में लगे हैं। आजमगढ़ मंडल के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी ने जानकारी दी कि निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 4.5 वर्ष में अब तक 76 मेलों की योजना तैयार की गई और 63 रोजगार मेले लगाए गए, लेकिन कोविड-19 के चलते कई बार ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन हुआ, लेकिन जिसका जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वह ग्रामीण युवाओं की तरफ से नहीं मिल पाया। आजमगढ़ में इन 4.5 वर्षों में 16,947 युवाओं ने आवेदन किया और 5,023 को रोजगार दिलाया गया। इसके अलावा रोजगार विभाग की तरफ से कॉलेजों में रोजगार मेले के लिए छात्र छात्राओं के लिए काउंसलिंग की जाती है। समूह ग की परीक्षा के लिए SC ST और OBC अभ्यर्थियों को क्लास लेकर तैयारी कराई जाती है। मैं अवधेश कुमार, अनुदेशक आश्रित, क्षेत्रीय सेवन कार्यालय। जिस तरह से 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीता है, आजमगढ़ जनपद में कितने रोजगार सृजित किए गए और कितने पाइपलाइन में है, क्या लक्ष्य रखा गया है? निदेशालय से प्राप्त लक्ष्य जो हमको आता है वो वर्ष में 18 का, 19 का और कभी कभी इस प्रकार आते हैं। हमने जो पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 76 के सापेक्ष 63 रोजगार मेलों का आयोजन किया, जिनमें कोविड के दौरान ऑनलाइन रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से लक्ष्य थोड़ा सा पिछड़ गया था। और इसके सापेक्ष हमने 16,947 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिनको सम्मिलित किया गया, उसके सापेक्ष हमारे 5,023 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। क्या क्या युवाओं को रोजगार के लिए कैसे प्रेरित किया जा रहा है? युवाओं को रोजगार प्रेरित करने के लिए हमारे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम बाहर से काउंसलर भी बुलवाते हैं और प्लस हमारे विभागीय अधिकारी और मैं स्वयं भी काउंसलिंग के लिए इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में और टेक्निकल कॉलेजों में जाता हूँ, जिसके द्वारा उनको सेवायोजित होने के लिए, स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाता है और जो सरकारी और रोजगार मेलों में प्रतिभा करना चाहते हैं उसके लिए भी प्रेरित किया जाता है। कोचिंग भी कराई जाती है? हाँ, यहाँ पर एक शिक्षा मार्गदर्शन केंद्र भी स्थापित है जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों के प्रबंधन हेतु लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है और पिछले 4.5 वर्षों में इस केंद्र से 147 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, यह ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई है। सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन यह मिलना ज्यादातर युवाओं के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े पूर्वांचल इलाके में है, जहां पर प्राइवेट नौकरी ही बड़ी मुश्किल से मिल पाती है और युवाओं का पलायन मजबूरी है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। जिस प्रकार से बेरोजगार युवा नौकरी की आस में सेवा योजन कार्यालय में अपना बायोडेटा और संपर्क नंबर देते हैं, उनका डाटा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जालसाजों के हाथ लग जाता है। बेरोजगारों के पास नौकरी का झांसा देकर बैंक डिटेल मांगी जाती है और कई बार उनके खातों से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? संतोष यादव। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितना रोजगार मिला है, कैसे मिला है? देखिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवायोजन विभाग में जो रजिस्ट्रेशन होता है तो अभ्यर्थी जो होते हैं अपना सारा डिटेल दे देते हैं, उनके योग्यता के हिसाब से ऑनलाइन जॉब दिखाई देती है आउटसोर्सिंग कंपनियों का या जो भी आता है दिखाई देती है उनकी योग्यता के हिसाब से कि आपकी इतना योग्यता है कि योग्यता के हिसाब से आपको ये जॉब मिल रही है, इतना पद है। तो उसमें सर एक ऑप्शन आता है कि या 2 घंटे बाद या 8 घंटे बाद ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो जितना बजे का समय होता है वो पहले आओ पहले पाओ के तहत आप उसमें ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन हो जाता है तो सर प्रक्रिया होती है इंटरव्यू वगैरह की, उसके बाद नौकरियां मिल जाती है। एक बहुत अच्छा अनुभव है कि घर से कोई भी नौकरी के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं और उसमें आपको अवसर मिलता है। दिक्कतें में सर एक ये बहुत अच्छा सरकार का प्लान भी बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन एक इंटरव्यू करने का मौका मिले और नौकरियों पाने का मौका मिले, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमियां ये है कि जो साइबर क्राइम है इस पर भी धावा बोल दिया है, क्योंकि बच्चों का जो डिटेल है ये लोग पा जाते हैं, फिर उन बच्चों को कॉल करते हैं कि हम यहाँ कराले से बोल रहे हैं और इस हमारे इस अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए,
या पेटीएम कर दीजिए, और फिर बच्चों का डिटेल पाते हैं और अकाउंट से उनको पूरा पैसे उड़ा देते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि इस पर जो साइबर क्राइम का जो धावा पड़ा है, इस पर भी प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मेरा नाम सत्यन सहनी है, मैं डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला हूँ। आजकल की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हम जैसे छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार से बस इतनी सी गुंजाइश है कि हमें रोजगार दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। भाजपा काफी दावे कर रही है, आपको क्या लग रहा है कितना रोजगार दिया है सरकार ने, और आप क्या युवाओं के लिए क्या रूपरेखा तैयार है पार्टी ने? देखिए, कोई रोजगार नहीं है, सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। किसान से जो कहा था कि वो भी पूरा नहीं किया। नौजवान आज भविष्य को लेकर चिंतित हो गया, निराशा में है उसका जीवन। व्यापारी तो बर्बाद हो गया, आप कोविड काल में देख लीजिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कितना मौका मिला इस सरकार को। इस सरकार ने क्या किया, ना लोगों को दवाइयां मिल पाई, ना लोगों को ऑक्सीजन मिल पाया, तमाम लोगों ने, लाखों करोड़ों लोग चले गए इलाज के अभाव से। इस अत्याचारी सरकार को तो लोकतंत्र में देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, मगर नहीं, सत्ता की भूख है। झूठ की ट्रेनिंग सेंटर है इनके पास में, इनके पास जो झूठ का ट्रेनिंग सेंटर है चल रहा है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा